हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं इग्नू के न्यू नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि 6 अप्रैल 2020 को इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पर जारी किया गया है। तो इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें स्टूडेंट ऐप के बारे में बताया गया है कि जिन स्टूडेंट्स ने पहले डाउनलोड की थी, इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, वो फिर से अपडेटेड स्टूडेंट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं कि उसमें उनके जो इश्यूज़ थे वो रिजोल्व हो गए हैं। तो सबसे पहले इसको आप डाउनलोड करने के लिए आप पहले ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे www.ignu.ac.in। तो उसके बाद आप इसमें देखेंगे कि न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट सेक्शन में एक डाउनलोड अपडेटेड स्टूडेंट ऐप का ऑप्शन है। तो उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसमें मेंशन है कि स्टूडेंट्स दोज हु आर फेसिंग एनी इश्यू विद एन ऑलरेडी डाउनलोडेड स्टूडेंट ऐप आर एडवाइज्ड टू डाउनलोड द अपडेटेड ऐप आइदर फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर और फ्रॉम इग्नू ऑफिशियल वेबसाइट ऐप आइकन। तो दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं नीचे, ताकि आप इस ऐप को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकें। और जैसे ही आप इस ऐप को यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद आप इसमें अपने इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड और डेट ऑफ बर्थ के द्वारा लॉगिन कर सकते हैं। तो प्रोग्राम कोड तो आपका कोर्स होगा जो भी रजिस्टर्ड, लाइक MPA, MEG, BAG, जो भी आपका कोर्स है। और इनरोलमेंट नंबर आपके डिजिट 9 और 10 डिजिट हो सकते हैं। 2020 में 10 डिजिट इशू हो रहे हैं, तो जो भी इग्नू के द्वारा इश्यूड हैं वो आप एंटर करेंगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पे 10 ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहला, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। इसमें आप जो भी कोर्सेज इग्नू में रजिस्टर्ड हैं, आपने कोई रिक्वेस्ट इसमें की है चेंज ऑफ सब्जेक्ट एटसेट्रा या एड्रेस चेंज की, वो सब इसमें क्लियर शो करेगा। तो जो भी आपका इसमें एड्रेस रजिस्टर्ड है, ईमेल आईडी रजिस्टर्ड, सब इसमें शो करेगा। दूसरा है मटेरियल स्टेटस। इसमें जिन स्टूडेंट्स ने ऑफलाइन स्टडी मटेरियल के लिए ऑप्ट किया था एडमिशन के टाइम, तो उनका मटेरियल स्टेटस इसमें, डिस्पैच स्टेटस इसमें शो करेगा कि उनका मटेरियल डिस्पैच कर दिया गया है, नहीं किया गया है, और कर दिया गया है तो क्या उसका ट्रैकिंग नंबर है। इसमें सब डिटेल्स इसमें मेंशन होगा किस डेट को एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिसीविंग है। तो नंबर 3 ऑप्शन इसमें मिलेगा रिजल्ट्स का। इसमें जो लेटेस्ट आपने टर्म एंड एग्जाम दिया है इग्नू का, उसका आपका रिजल्ट इसमें रिफ्लेक्ट करेगा। 4th ऑप्शन डाउनलोड्स का। इसमें आप इग्नू के असाइनमेंट्स, क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप इसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। 5th ऑप्शन ऑनलाइन सर्विसेज का। ऑनलाइन सर्विसेज में फर्दर 7 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पहला एडमिशन का है, जो भी फ्रेश न्यू एडमिशन करना चाहते हैं वो आप अपना एडमिशन यहां से कर सकते हैं। दूसरा री रजिस्ट्रेशन का है, जो भी स्टूडेंट्स री रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं अपना 2nd और 3rd ईयर के लिए, वो आप री रजिस्टर कर सकते हैं यहां से। 3rd ऑप्शन एग्जाम फॉर्म का है, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म अपना फिल करना चाह रहे हैं तो डायरेक्टली इस ऐप से यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। लिंक आपको रिडायरेक्ट कर देंगे यहाँ से और आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 4th ऑप्शन कन्वोकेशन फॉर्म का है, जिन स्टूडेंट्स ने अपनी डिग्री या PG पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा कम्प्लीट कर लिया है, PG डिप्लोमा कम्प्लीट कर लिया है, तो वो कन्वोकेशन फॉर्म जब भी ओपन होता है तो यहाँ से लिंक रिडायरेक्ट किया जाएगा और आप वहाँ से नोटिफिकेशन में देखने के बाद आप वहाँ से भर सकते हैं फॉर्म अपना, और आपकी डिग्री के लिए आप फर्दर प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। 2nd ऑप्शन इसमें आईग्राम का, यहाँ पे आप ऑनलाइन अपनी क्वेरी या ग्रीवेंसीज, जो भी आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट ओनली यहाँ पे कर सकते हैं, वो रजिस्टर कर सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई मिलेगा। 2nd ऑप्शन इसमें इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करने का है, उससे 2nd ऑप्शन है रीजनल सेंटर होम पेज पे आपको डायरेक्ट करेगा। और इसमें नया 6th ऑप्शन पे आते हैं आइडेंटिटी कार्ड। तो जब आप आइडेंटिटी कार्ड पर क्लिक करेंगे तो आप यहां से अपना आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको ओपन करने के लिए आपको अपना इनरोलमेंट नंबर एज ए पासवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। 7th ऑप्शन है ग्रीवेंसीज का, तो आप इसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो भी स्टूडेंट्स ने ग्रीवेंसीज रजिस्टर किए थे उनके रिप्लाई किए थे वो व्यू कर सकते हैं। और 2nd ऑप्शन है अनाउंसमेंट्स का, तो इसमें आपको लेटेस्ट इग्नू के द्वारा किए गए ऑफिशियल अनाउंसमेंट आपको इसमें मिलेंगे। 9th ऑप्शन कॉन्टैक्ट्स का है, आपको किन सर्विसेज के लिए किससे कॉन्टैक्ट करना चाहिए, इग्नू में रीजनल सेंटर में जाना चाहिए या मैदान घड़ी ऑफिशियल हेडक्वार्टर में कॉन्टैक्ट करना चाहिए, तो वो इसमें सब डिटेल्स आपको कॉन्टैक्ट की डिटेल्स मिलेंगी, किससे किस ईमेल पे कॉन्टैक्ट करें, किस कॉन्टैक्ट नंबर पे।